हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिसिया मदर टेंचर के ऊपर। ये जो पेशेंट होता है कैसा होता है, मतलब इसमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और साथ ही बताती हूँ कि ये जो मदर टेंचर है ये प्लांट किंगडम से ली गई है, ये पत्तियों के द्वारा बनाई गई मदर टेंचर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस पेशेंट को या जिस व्यक्ति को खांसी आती है, मतलब तुरंत खांसी आती है, बहुत तेज़ खांसी आती है, सर्दी जुखाम हो जाता है, और कहना चाहिए कि इस कंडीशन में जस्टिसिया मदर टिंचर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं कि दमा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में ये जो जस्टिसिया मदर टिंचर है ये भी बहुत अच्छा वर्क करती है। अब मैं दमा के सिम्टम्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पेशेंट होते हैं, अगर कोई भी पेशेंट हो, अगर उसको खांसी आ रही है, बहुत तेज़ खांसी आ रही है, तो क्या होता है कि खांसते खांसते वो पेशेंट को क्या होता है कि इतनी तेज़ खांसी आती है कि उसके सीने में दर्द होने लगता है, सीने में दर्द होने लगता है। साथ ही क्या होता है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्या होता है उसके बाद उसकी जो पल्स रेट है वो बढ़ने लगती है पेशेंट की, इतनी तेज़ खांसी आती है उसको। साथ क्या होता है कि उसके गले में बिल्कुल खराश होती है, उसका गला बहुत ही तेज़ दुखने लगता है, उसके गले जो ये पेशेंट होता है इसके गले से क्या होता है घरघराहट की आवाज़ आने लगती है। ये पेशेंट जो होता है इसको बहुत ही तेज़ क्या होता है कि सिर दर्द होने लगता है, ये देखा गया ये सारे सिम्टम्स। और साथ क्या होता है कि फीवर आने लगता है, इतनी तेज़ खांसी आती है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो पेशेंट होते हैं इनको इतनी तेज़ खांसी आती है दोस्तों, ये खांसते खांसते क्या होता है कि इनके इनको पेशाब हो जाती है, इनको खांसते खांसते पेशाब के साथ क्या होता है दस्त भी हो जाता है, कई बार ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं कि सूखी खांसी के बारे में, कि सूखी खांसी आती है तो जो पेशेंट है उसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो जब किसी पेशेंट को सूखी खांसी आती है तो क्या होता है कि सूखी खांसी क्यों आती है, क्योंकि उसका जो कफ होता है, जो बलगम होता है, वो क्या होता है कि चेस्ट में जमा हुआ रहता है। इस कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको सूखी खांसी आती है। तो अब बात करते हैं कि जो पेशेंट होता है इसको सूखी खांसी आती है तो क्या होता है, इसको चेस्ट में सबसे पहले पेन होता है, इसको चेस्ट में पेन होगा, इसका चेस्ट जो होता है एकदम कहना चाहिए कि उभरा हुआ सा नज़र आता है, इसकी पीठ दुखती है, इसकी कनपट्टी दुखने लगती है, इस पेशेंट की गले में खराश आने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है एकदम खांसते खांसते बहुत तेज़, और बहुत पेट साथ में क्या होता है कि इसके गले से भी इसके भी गले से घरघराहट की क्या होती है आवाज़ आने लगती है। कई बार क्या होता है कि ये जो पेशेंट होता है खांसता है ये सोचता है कि इसका बलगम निकल जाए, तो क्या होता है कि खांसता तो है, इसका थोड़ा बहुत बलगम निकलता है, बहुत भी इसको क्या ये जो पेशेंट है बहुत ताकत लगाता है बलगम निकालने के लिए, थोड़ा बहुत बलगम निकलता पूरी तरह से इसका जो बलगम है नहीं निकलता है, तो इसको ऐसा लगता है कि इसके गले में जो है कुछ ना कुछ अटका हुआ है, इसका जो बलगम है क्या करता है कि ये फिर खांसता है, ये सोचता है कि इसका पूरा बलगम निकल जाए। बात करते हैं कि जो पेशेंट होता है क्या होता है कि ये जो पेशेंट को अधिकतर देखा गया है कि नाइट के टाइम, मतलब जिस मॉर्निंग जैसे दोपहर में खांसी ज़्यादा आ रही है, तो इससे ज़्यादा खांसी क्या होता है कि नाइट में ज़्यादा आती है, इससे और ज़्यादा तीव्र खांसी जो है नाइट में आती है। तो इतनी तीव्र खांसी आती है तो क्या होता है कई बार इसके जो खांसी के साथ क्या होता है कि बलगम निकलता है, बलगम कैसा निकलता है एकदम पीला कलर का बलगम निकलता है, उसके साथ क्या निकलता है बलगम के साथ क्या निकलता है खून भी निकलने लगता है, बलगम के साथ खून भी क्या होता है धीरे धीरे निकलने लगता है। अब बात करते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं अगर ये कुछ खाते हैं ये पीते हैं, कुछ भी अगर खाएंगे तो क्या होता है खाते हैं ये तो इनकी क्या होता है गले में अटक जाता है, ये सही तरीके से निगल नहीं पाते हैं, और ये जो पेशेंट होते हैं इनको भूख भी नहीं लगती है, इनको भूख नहीं लगती, इनका जो पेट होता है एकदम कहना चाहिए भरा भरा सा नज़र आता है, इनको कहना चाहिए जैसे कब्ज़ बन गया हो, कब्ज़ बन जाता है। अब बात करते हैं ये जो पेशेंट होते हैं क्या होता है इनको बहुत प्यास लगती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बहुत पानी पीते हैं, इनको हमेशा प्यास हमेशा बनी रहती है, इनकी जो जीभ होती है एकदम वाइट कलर की हो जाती है,
ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनकी जो खांसी होती है हमें हर मौसम में बनी रहती है, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, हर मौसम में बनी रहती है इनकी खांसी। अब बात करते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं इस कंडीशन, जस्ट इसे मदर टिंचर लेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको तुरंत सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, उनकी कहना चाहिए कि आँख से पानी निकलने लगता है, नाक से पानी निकलने लगता है, उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है, और साथ में क्या होता है उनको भूख भी नहीं लगती है। तो इस कंडीशन में भी मतलब, और बहुत तेज खांसी आती है, ये सारे सिम्टम्स बता रही हूँ, तो इस कंडीशन में जस्टिसिया मदर टिंचर लेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब बात करते हैं कि चाहे एक्यूट हो चाहे क्रॉनिक हो, दोनों कंडीशन में जो जस्टिसिया मदर टिंचर है बहुत ही अच्छा वर्क करती है। चाहे आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो दोस्तों, अगर आप इसको लेंगे तो ये 100% वर्क करती है और ये ठीक कर देती है आपकी खांसी को। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सबको जस्टिसिया मदर टिंचर है इसका नॉलेज मिल सके कि ये कितना अच्छा वर्क करती है। चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे किसी भी प्रकार की खांसी हो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।